प्रदेश में पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा को देखते हुए जनपद पुलिस द्वारा बाइक रैली और ड्रोन के माध्यम से जिले के घरों की निगरानी की गई, जिसमें 54 घरों पर पत्थर पाए गए, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जनपद में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को मेनटेन करने के लिए प्रदेश भर में पिछले शुक्रवार को हुए दंगे को देखते हुए ड्रोन द्वारा हर एक मोहल्ले के छत और सड़क पर किसी भी तरह के ईंटा पत्थर या कंकड़ इकट्ठा की गई है। ऐसे 54 स्थान चिन्हित किए गए हैं और 54 लोगों को नोटिस भी दिया गया है। ईटा पत्थर अगर किसी भवन निर्माण में लिया गया है तो उसे जल्द हटाया जाए। उन्होंने कहा कि राजघाट, कोतवाली और गोरखनाथ थाना क्षेत्रों में इन 54 लोगों को नोटिस दिया गया है। कोतवाली पुलिस कोतवाली थाने से रेती रोड होते हुए घंटाघर, पांडेहाता, नॉर्मल होते हुए बाइक रैली निकाली तथा रोड पर पड़े पत्थर को हटवाया और लोगों से अपील किया कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के सामने ईंट पत्थर नहीं रखेगा। अगर कोई दुकान के सामने या छत पर पत्थर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी प्रकार के ईंट पत्थर हैं तो उसे हटा दिया जाए ताकि किसी व्यक्ति द्वारा इसका दुरुपयोग ना होने पाए एवं शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस अवसर पर कोतवाली सीओ विमल कुमार सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, राजघाट थाना प्रभारी एसके मिश्रा, भगवत चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, कब हटाएगा? कब हटाएगा ये? नहीं, आज शाम तक हटा दिए इसको। सुनी मैंने इसको कपड़ा फटाइया, ये बता दे रहा हूँ, मिल गया तो दिक्कत होगी। मोबाइल नंबर इसने भी बोरी भी बड़ा भरा है। जनपद गोरखपुर में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए एवं प्रदेश भर में पिछले शुक्रवार को हुई घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए जनपद गोरखपुर में ड्रोन द्वारा हर एक छत एवं हर एक सड़क पे किसी भी प्रकार की ईंटा पत्थर या कंकर या इसी तरह की कोई ऐसी चीज़ इकट्ठी की गई है, उनको चिन्हित कर ऐसे 54 स्थान चिन्हित किए गए हैं एवं 54 लोगों को नोटिस दे के ईंटा पत्थर अगर किसी भवन निर्माण में लिया जा रहा है तो उसका निर्माण में तुरंत लेके उसका निस्तारण करें, अन्यथा उसको हटवाया जा रहा है। सर, किन किन थाना क्षेत्रों में चिन्हित किया गया? थाना कोतवाली, राजघाट एवं गोरखनाथ थाना क्षेत्र में इन 54 घरों को आइडेंटिफाई किया गया। सस्पेक्टेड ऐसे लोग कुछ नहीं है, 54 घरों को जिनको आइडेंटिफाई किया गया उनको नोटिस दिया गया है, उनको बताया गया कि ईंट पत्थर वगैरह जो ये घर के ऊपर या सामने रखे गए हैं इनको हटवाया जाए ताकि ये किसी भी व्यक्ति द्वारा इनका दुरुपयोग ना किया जाए एवं शांति व्यवस्था को मेंटेन रखने में सहयोग हो इसका। कैसा लगता है कि प्रयागराज जैसे गोरखपुर में ऐसी व्यवस्था क्या? मैं उम्मीद करता हूँ गोरखपुर की आवाम से, गोरखपुर की जनता से कि इस तरह की किसी भी घटना नहीं हो पाएगी यहाँ पे। यहाँ के लोग जागरूक हैं एवं इस तरह की घटना का गोरखपुर से किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है। जो बयान दिया गया है वो दिल्ली में दिया गया है एवं उसकी कार्रवाई है जो दिल्ली में की जा रही है। गोरखपुर में शांति व्यवस्था बना के रखना है जनता का कर्तव्य है एवं पुलिस इंश्योर करेगी कि किसी प्रकार की इस तरह की घटना यहाँ ना हो।